मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। कांग्रेस ने जब सत्ता पाई है तब घोटालों में उनकी पार्टी, उनकी सरकारें लिप्त रही हैं। गांधी खानदान तब भी चुप था जब महादेव बेटिंग ऐप का खुलासा हुआ मीडिया में। गांधी खानदान आज भी चुप है जब 200 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है उनके अपने नेता के घर से। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? चाहे शराब का घोटाला हो, महादेव ऐप का बेटिंग का घोटाला हो, चाहे भर्ती में घोटाला हो, कांग्रेस ने जब सत्ता पाई है तब घोटालों में उनकी पार्टी, उनकी सरकारें लिप्त रही हैं। आज पुनः उनके एक नेता के घर से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद होना, और जैसा कि मैंने कहा, मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि काउंटिंग अभी जारी है, तो वो कौन है जिसका एटीएम कांग्रेस का ये नेता है और क्यों अब तक कांग्रेस के आला कमान ने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है? किसका पैसा है जो लूट का छुपाकर कांग्रेस के इस नेता के घर से मिल रहा है? गांधी खानदान तब भी चुप था जब महादेव बेटिंग ऐप का खुलासा हुआ मीडिया में। गांधी खानदान आज भी चुप है जब 200 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है उनके अपने नेता के घर से। मोहब्बत की दुकान पर ये किस प्रकार से कारोबार हो रहा है करप्शन का, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे।